कार किंग चैंपियंस ट्रॉफी टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का फाइनल मैच 12 मार्च को पीर बंगाली दरगाह के अपोजिट खाजा एजुकेशन सोसाइटी ग्राउंड में खेला गया, जिसमें नाई सीसी टीम ने इस टूर्नामेंट में जीत हासिल की और खान सीसी रनर अप रही है। मॉर्निंग फिटनेस क्रिकेट क्लब की जानिब से यह टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और इस टूर्नामेंट को सोहेल बाबा जुनेदी, उमर सेठ और जाकिर जैक स्पोर्ट्स ने स्पॉन्सर किया है। कार किंग चैंपियंस ट्रॉफी टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 में कुल 5 टीम ने हिस्सा लिया था। काफ़ी मज़ेदार यह टूर्नामेंट रहा और आखिर में नाई सीसी टीम ने कड़ी मेहनत कर जीत हासिल कर ली है। विनर और रनर अप टीम के साथ बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द मैच, बेस्ट फील्डर, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट विकेट कीपर, इन तमाम को कैश प्राइज, मेडल और अवार्ड से नवाजा गया है। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर, स्पॉन्सर्स और चीफ गेस्ट ने गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए खुशी का इजहार कर तमाम तफसीलात बयां की हैं। माशाल्लाह आज का मैच बहुत ही रोमांचक मैच रहा दो टीम के दरमियान, और मैं जीतने वाली टीम को बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूं, और जो रनर अप टीम है उनसे मायूस होने की ज़रूरत नहीं। वो कहते हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी एक ना एक दिन, भटक कर ही सही, गुमराह वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो माशाल्लाह मुबारकबाद के हकदार हैं हमारे स्पॉन्सर्स सोहेल बाबा जुनेदी साहब और हमारे उमर सेठ जो लिमरा तहारी होटल के प्रॉपरेटर हैं, और तमाम ऑर्गेनाइज़र्स सब के सब मुबारकबाद के हकदार हैं। क्योंकि एक तरफ अब जब देखते हैं कि नौजवान तबका जो नशे में मुब्तला है, यहाँ पर देख के बहुत खुशी हो रही थी कि माशाल्लाह पूरे टीम की पूरे प्लेयर्स एक जस्तजू से खेल रहे हैं, एक नौजवान तबका जो है एक एक्टिव स्पोर्ट्स में लगा हुआ है। मैं गुजारिश करता हूं मेरे तमाम नौजवान भाइयों से कि अपने आप को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज रखें। स्पोर्ट्स ना कि सिर्फ अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखता है बट अपने माइंड को भी फ्रेश और तंदुरुस्त रखता है। मैं और एक बार शुक्रिया और मुबारकबाद कहना चाहता हूँ तमाम स्पॉन्सर्स और ऑर्गेनाइजर्स का। अस्सलाम वालेकुम। आज मॉर्निंग फिटनेस क्लब क्रिकेट टीम की वजह के तरफ से जो टूर्नामेंट रखा गया था, जिसके ज़ेर निगरानी हमारे जफर अली साहब और रहीम खतीब साहब करते हैं, और ये टूर्नामेंट कारकिंग हमारे इरफान साहब की तरफ से जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया सो है। और मैं ख़ासकर हमारे रहीम खतीब साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है आज के नौजवानों के लिए जो मॉर्निंग आकर क्रिकेट खेलकर अपने आप को फिट रखते हैं। और साथ ही साथ जफर साहब की जो मेहनत रहती है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। परवेश सर और अतर सर को भी मुबारकबाद पेश करता हूं, और यहां के आतराफ और अगनाफ जितने भी लोग रहते हैं उनसे ये इल्तिजा करता हूं कि अपना कीमती वक्त सुबह में निकाल कर मॉर्निंग फिटनेस क्लब हम को ज्वाइन करें और अपनी सेहत को बरकरार रखें, ताकि आने वाले वक्त में हम अपनी सेहत की हिफाजत कर सकें और अपने आप को मज़बूत बना सकें। कारकिन चैम्पियन ट्रॉफी जो ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी ग्राउंड में रखा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न 2 बहुत सक्सेस रहा। रहीम जो डेली प्रैक्टिस करते हैं रहीम सर की सदारत में, 120 से 140 प्लेयर आते हैं, यहाँ पर एक ग्रुप है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। आज के इस ऑनलाइन दौर में सुबह जो है ना फजर पढ़ के जूनियर सीनियर यहाँ पर 15 साल के बच्चे से लेकर जो है ना 50 ईयर के हमारे सीनियर प्लेयर तक आते हैं यहाँ पर, एक बहुत अच्छा मैसेज आता है। बहुत हमारी यूनिटी है गुलबर्गे में अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह खेलने के लिए खेल के उसके अलावा जो ना बाद में भी हमारी इतनी अच्छी यूनिटी है, किसी की अच्छे बुरे में फंक्शन में एक दूसरे में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, बहुत अच्छा यूनिटी है। बोलना ये है कि स्पोर्ट्स को कुछ भी है तो अपने स्पोर्ट पर तवज्जो दीजिए, और इस टूर्नामेंट के बारे में कहना चाहता हूँ कि मॉर्निंग फिटनेस कमेटी ने जो है ना बहुत अच्छा सक्सेस टूर्नामेंट को किया, इसको जो स्पॉन्सर किया था हमारे सोहेल बाबा जुनेदी,
सुहेल बाबा जुनेदी को एक बार हमने बोला था कि सिर्फ ऐसा अपना माहौल बताया, तो उन्होंने एक ही अल्फाज में कहा कि मैं आपसे पहले मैं कोशिश में था कि आपको मैं आपको आपको बोलूँ ये बात कि मुझे आप लोगों को देख के बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतने सब मिलके एक साथ खेलते हैं, सुबह उठते हैं फजर के बाद में, फिटनेस के लिए बहुत तौजुद है, अच्छी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उमर शेठ को भी बात किया तो उन्होंने भी खुशी से अपना हमारा साथ दिया है। मैं और हमारे जाग स्पोर्ट्स के ओनर जाकिर को भी शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया है। मैं तमाम तीनों स्पॉन्सर का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया है, हमारी हिम्मत की है इसमें, हमारे प्लेयरों में और डेली कंटिन्यू आने के लिए एक जस्तजू होती है कि टूर्नामेंट ऐसा इवेंट होते गया तो साल में एक बार, तो वही चीज़ को देखते हुए वो लोगों ने हमारा सपोर्ट किया है। मैं तहे दिल से उनका शुक्र अदा करता हूँ। मैं तमाम मॉर्निंग प्रैक्टिस के जो कमेटी, जो सीनियर प्लेयर हैं, जूनियर प्लेयर हैं, हर किसी ने हमारा सपोर्ट किया है ये टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए। मैं तहे दिल से सबका शुक्र अदा करता हूँ। पाँचों ओनर जिन्होंने अपना टीम का हिस्सा लिया था, मैं सैयद सादिक साहब, मकसूद साहब, अशफाक साहब और शफी साहब, यूसुफ खान साहब, पाँचों ओनर का शुक्र अदा करता हूँ। पूरे प्लेयर का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने खेला है इस टूर्नामेंट में और मेहनत करने या इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए हमारा साथ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। कारकिंग चैंपियन ट्रॉफी सीज़न 2 आज पूरा ख़त्म हो गया और बेहतरीन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे इरफान कारकिंग का और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं सोहेल बाबा जुनेदी का और हमारे और एक चीफ गेस्ट हैं उमर सेठ लिमरा होटल वाले का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो ग्राउंड है ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी ग्राउंड में हुआ, वादी बंदा नवाजी ग्राउंड बोलते हैं इसको, और मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो माननीय फिटनेस के पूरे सदस्य ये इससे में का बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये फाइनल मैच हुआ है जो खान सीसी वर्सेस नाइस सीसी के बीच में हुआ है और ज़बरदस्त मैच हुआ है। पहले नाइस सीसी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 77 रन बनाए, उनके जवाब में उन्होंने कम रन बनाकर हार गए खान सीसी। नाइस सीसी ने ये कार किंग चैंपियन ट्रॉफी को जीत लिया है, हमको बहुत खुशी हुई। ये नाइस सीसी ने मैच को जीत लिया है, हम लोग का मैच जीते हैं, कार किंग चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 हम लोग जीते हैं और मैं चीफ गेस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे दिल की गहराई से और हमारे जुनेदी सोहेल बाबा जुनेदी का और उमर सेठ का शुक्रिया अदा करता हूँ।